ताइवान के उत्तरी तट पर बुधवार को शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। ह्वालियन में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें गिर गई, जिसके बाद राहत और बचाव काम जारी रहा है। ये शहर भूकंप के केंद्र से करीब था। इस भूकंप को बीते 25 सालों में आए इस द्वीप पर अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान के अंदर का पहाड़ी भाग भारी भूस्खलन से हिल गया है। राजधानी ताइपे की इमारतों के हिलने के वीडियो भी अब लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। वहीं ताइपे भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक वू चिन फू कहते हैं कि भूकंप जमीन के नजदीक था। इसे पूरे ताइवान और पड़ोसी द्वीपों पर महसूस किया गया। ये बीते 25 सालों में सबसे तेज भूकंप है। द नेशन फायर एजेंसी ने कहा है कि तरोको नेशनल पार्क में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इस एजेंसी ने बताया है कि भूकंप के बाद 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि शहर की इमारतों को और सुरंगों में भी अभी तक लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है।